कश्मीर फाइल्स को लेकर के इस समय राजनीति शुरू हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। सर, जिस तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों का पलायन वहाँ से हुआ कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के, इस तरीके का उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है केरल कांग्रेस का। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है, ये इतिहास गवाह है, पूरा देश गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। किस प्रकार से कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पंडित नेहरू पंडित तो कहला गए, लेकिन पंडितों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी गलत नीतियों के कारण वहाँ 370 लागू किया गया। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को पूरे देश से अलग थलग किया गया, भारत की सांस्कृतिक चेतना को समाप्त किया गया, राष्ट्रीय एकात्मता और सांस्कृतिक भावना पर कुठाराघात हुआ, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आता। कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार का अपना गलत नीति अपना करके और अपनी रोटी सेकने का काम किया, अपने परिवार को, अपने वंश को बढ़ाने का काम किया, निश्चित रूप से वहाँ के पंडित क्या उनका दुखमय जीवन, किस प्रकार से उनके आशियानों को उजाड़ा गया, किस प्रकार से उनको उनके बच्चे आज भी दर दर भीख मांगने के लिए आज कटोरा लेकर के देश के गलियों में भीख मांग रहे, इनको दिखाई नहीं पड़ता और कहते हैं कि वहाँ पंडित से ज़्यादा, ये किस प्रकार से वहाँ के वो मूल नागरिक कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं पड़ रहा था, हम लोग गए थे डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो उसके प्रभारी थे वहाँ के उस यात्रा के, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जहाँ भारत का तिरंगा झंडा न पड़, ये इनके कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण धारा 370 लागू करके, और उन्होंने लेकिन हमारी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ जी ने जो पूरे पार्टी ने जो नीति बनाई, हमने उसको अडॉप्ट किया और आज वहाँ शांति सौहार्दपूर्ण का वातावरण पूरी तरह से माहौल आपस में है और आज पंडित वहाँ धीरे धीरे बसना शुरू कर रहे हैं। इसमें कही दो कश्मीरी पंडितों को लेकर के जिस तरह पलायन हुआ उसके बाद इतनी बड़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आप क्या कहेंगे? सरकार भी यहाँ से कदम उठाए भाई, ये गंदी राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस को तो पंडित तो कश्मीरी पंडित का साफ है, इस खानदान को कभी आगे नहीं बढ़ने देना। सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो पंडित के रोज आंसू निकल रहे हैं कश्मीरी पंडित के, इनकी आशियाना बिगड़ जाए उजड़ जाएगी जिन्होंने उनके आशियानों को उजाड़ने का काम किया, और पूरी तरह से कांग्रेस नष्ट नाबूद हो जाएगा, कांग्रेस का इतिहास समाप्त हो जाएगा। और जो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को हटा दो, पंडित नेहरू नहीं माने, वो अपने आप पंडित नेहरू के गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सदा सदा के लिए धरती से उठ जाए। चलिए, जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।